जी, जो ये खट्टर सरकार है जी, आप देख रहे हो डेली ये लाठी चार्ज करवा रही है। आप खट्टर सरकार को 10 में से कितने नंबर देना पसंद करेंगे? 10 में से 0। मनोहर जी आओ या हुड्डा साहब आओ या कोई भी आए जी, वो पब्लिक के लिए काम करे। गठबंधन सरकार नहीं चलती जी, ना चलेगी जी। दो हजार चौबीस में किसकी बनेगी सरकार और किसके सर पर सजेगा ताज मुख्यमंत्री का, जानने का प्रयास करेंगे जींद की जनता का मन। सीधे सीधे बात करते हैं यहाँ के निवासियों से। जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? सुरेश शर्मा। शर्मा जी, अब की बार 2024 में जो चुनाव होंगे उसमें आप किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? देखिए, ये मुख्यमंत्री के तौर पे देखना, किसी एक आदमी के कहने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता जी। ये तो जनता मतलब डिसाइड करेगी जी। जिसको बहुमत मिलेगा, जिसके MLA ज्यादा बनेंगे वही बनेंगे। लेकिन मैं आप भी जनता हैं। हाँ। आप किस आपका मत किसका रहेगा? हाँ, मेरा मत तो देखो जी, मैं तो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। लेकिन जो आज हरियाणा की अगर आप दशा देख रहे हो, जो ये खट्टर सरकार है, आप देख रहे हो डेली ये लाठी चार्ज करवा रही है। आपने पंचकूला में देखा होगा जो किसान अपनी जो ये अपने इम्प्लाइज है जो अपनी ओल्ड पेंशन की जो मांग कर रहे थे उनकी जायज मांग है। उन्हें जब जो जो आदमी 30-30 साल जो 35 साल नौकरी करेगा तो बुढ़ापे में उसको कुछ सहारा चाहिए ना जी। तो उसको वो जायज मांग थी। आप खट्टर सरकार को 10 में से कितने नंबर देना पसंद करेंगे? 10 में से 0। 0। हाँ जी। और अगर बात की हमने आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी में से कौन सा चेहरा होगा मुख्यमंत्री के तौर पर? देखिए, अभी आम आदमी पार्टी का कोई चेहरा अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है जी। हमारे डॉक्टर सुशील गुप्ता हैं जी, वो जो मतलब राज्यसभा के सांसद हैं, वो मतलब हरियाणा के प्रभारी हैं जी। लेकिन अभी तक CM का कोई मतलब जी। चेहरा जी, जी, कोई डिक्लेयर नहीं है। हाँ जी। क्या खास बातें रहेंगी अगर आपकी पार्टी से कोई मुख्यमंत्री बनता है? देखिए, हमारी पार्टी की जो खास बात है, आपने देखा होगी हमारी पार्टी जो आज दिल्ली में है, जो 3 बार से लगातार बनी हुई है, और साथ में हमारे यहाँ पंजाब में भी जो बन गई है। देखो, पंजाब में भी आपको पता है कि कोई पार्टी ऐसे तो बनती नहीं, वो भी हमारे से भी बड़ा स्टेट है, हरियाणा से भी। कुछ न कुछ मतलब लोगों को बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा का मॉडल जो केजरीवाल का है, लोग उस पर विश्वास करते हैं और उस पर खड़े उतरते हैं जी। शुक्रिया। हाँ। कुछ और साथी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सा चेहरा देखना पसंद करेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर 2024 में। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया। क्या नाम आपका? सुधीर ढुल। ढुल साहब, 2024 में किसकी सरकार देखना पसंद करेंगे, क्यों करना पड़ेंगे, किन वादों के साथ, किन मुद्दों के साथ? भाई साहब जी, भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपने नाम कहा है, क्या खास बात है हुड्डा साहब के अंदर? देखो, उस टाइम ना तो इतनी बेरोजगारी थी, ना इतनी महंगाई थी जी। मेन तो दो ही मुद्दे हैं ये, महंगाई और बेरोजगारी। खट्टर सरकार को 10 में से कितना नंबर देंगे आप, जो गठबंधन की सरकार है? 2 नंबर। 2 नंबर जी। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? क्या नाम आपका? बलबीर सिंह नेहरा। नेहरा साहब, 2024 में किसकी सरकार बनाना पसंद करेंगे? श्रीमान जी, विपक्ष की एकजुटता के बिना जी यहाँ किसी नंबर आने वाला नहीं जी। इसके बारे में कौन बनेगा ना बनेगा ये कहना अभी समय की कसौटी तो खराब नहीं उतरता जी। यदि विपक्ष एक हो जाए जी तो मुकाबला हो सकता है। विपक्ष में तो इनेलो भी है, आम आदमी पार्टी भी, कांग्रेस भी है। एकजुटता दोनों सारी पार्टियों की, जो मुख्य पार्टी है उनकी एकजुटता, इसमें गठबंधन की सरकार हो जाएगी ना। बात की जाए, अगर फिर से मान लिया जाए कि मनोहर सरकार आएगी या BJP सरकार आएगी तो किसको मुख्यमंत्री देखना पसंद करेंगे? हम तो जी, मनोहर जी आओ या हुड्डा साहब आओ या कोई भी आए जी, वो पब्लिक के लिए काम करे, कर्मचारियों के लिए। जैसे अब जो चंडीगढ़ में कर्मचारियों के साथ हुआ है, ऐसी नहीं होना चाहिए। और OPS का जो मुद्दा है, या तो ये अपने भी पेंशन बंद कर दें या फिर इनको भी दे दें जी। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, क्या उम्मीदें रहेंगी नई सरकार से आपकी? नई सरकार से तो जो किसानों का मुद्दा है जी, मेन तो इस देश की रीढ़ की हड्डी किसान हैं जी, उनका मुद्दा है, उनकी मांगे हैं जी। ऊपर सेंटर में भी हैं, यहाँ स्टेट में भी हैं, कर्मचारियों की मांगे हैं जी, जी। तो महंगाई का है, कुछ मुद्दा है, इस प्रकार के ये मुद्दे लाभ होना चाहिए पब्लिक को। बात की जाए, बहरहाल जो सरकार है, गठबंधन की सरकार है, उस सरकार को आप 10 में से कितना नंबर देना पसंद करेंगे? नंबर तो सारे हैं जी उनके, अब फिलहाल तो भी जी। बहरहाल खुश हैं आप सरकार से? नहीं, खुश की बात नहीं, नंबर तो उनके हैं सब, आले नाले है, तो कुछ भी करो, ये भी नंबर देने वाली कुछ बात है, अपना कोई हाथ नहीं नंबर देना जी। पब्लिक के हाथ में ही नंबर देना होता है, पब्लिक ही तो चुनाव जिताती है और हारती है। नंबर मान लो मैं 1 दूं या 10 दूं, उससे क्या बढ़ने वाला है? धन्यवाद। एक और अंकल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे कि किसकी सरकार लाना पसंद करेंगे, किसको मुख्यमंत्री देखना पड़ेंगे पसंद करेंगे जी। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम? महावीर नाम है मेरा जी।
तो हमने पहले हुड्डा का राज देखा था जी। उसमें जनता भी खुश थी जी। कर्मचारी भी खुश थे जी। और आज जो हमारे मुख्यमंत्री है जी। उसने ऐसे हालात पैदा कर दिए हरियाणा के अंदर जी। किसी की भी सुनाई नहीं होती, लठों के साथ उसका जवाब दिया जाता है जी। हम ऐसी सरकार नहीं चाहते, हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो जनता का भी भला करे, कर्मचारियों का भला करे और सबको एक नजर से देखे और विकास करे। ऐसी कौन सी सरकार हो सकती है आपकी नजरों में? कांग्रेस हो सकती है, जेजेपी हो सकती है, इनेलो हो सकती है या आम आदमी पार्टी हो सकती है? नहीं, ऐसे जो काम किए थे हुड्डा साहब ने तो हुड्डा हमने सारे को पसंद है, जो सबकी सुनता है, विकास भी करवाता है, कर्मचारियों की भी सुनता है, किसानों भी सुनता है। ये सरकार किसी की नहीं सुनती, लटके तान करी है। अगर बात की जाए गठबंधन सरकार की जो हरियाणा में बहरहाल है, उसमें उसको आप 10 में से कितना नंबर देना पसंद करेंगे? गठबंधन सरकार नहीं चलती जी। ना चलेगी जी। जब तक पूरा बहुमत एक पार्टी का नहीं आएगा, जब तक हरियाणा का विकास नहीं होगा। ये जो जेजेपी का, जो बीजेपी का गठबंधन हरियाणा में, उसमें को आप 10 में से कितना नंबर देंगे? 0 है ये तो दोनों। 0 0 एक और हमारे साथ अंकल जी जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे कि भी मौजूदा आने वाले समय में 2024 में किसकी सरकार देखना पसंद करेंगे? बदलाव की सरकार देखना, बदलाव की सरकार में कौन सी सरकार होनी चाहिए जो बदलाव ला सकती है? बदलाव ला सकते हैं तो कांग्रेस ही ला सकती है। कांग्रेस ही ला सकती है? कांग्रेस ही क्यों? उड़ा देते हैं। कांग्रेस ने पहले भी काम करे हैं जी, और इस सरकार ने तो बहुत काम में नहीं करे हैं जी। हैं, क्या नाराजगी है बीजेपी सरकार? बीजेपी जी है और किसी का काम नहीं करती है, इसलिए है। इसके बदलाव होना चाहिए ताकि दूसरी सरकार, ताकि देश के भविष्य के बारे में सोचे और काम करे देश का। हैं, कितने नंबर देंगे जी? कितने नंबर देंगे सरकार? हम इसमें नंबर तो 0% देंगे। 0 हाँ, इसे कोई काम नहीं। योगाचार्य हैं सूर्यदेव जी, हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे, प्रयास करेंगे जानने का कि सूर्यदेव जी 2024 में किसकी सरकार बनाना पसंद करेंगे आप? मेरा विचार तो ये है, सरकार बदलनी चाहिए जी। क्यों? क्योंकि इतने सारे बच्चों को इन्होंने हटा दिया जी, और जो 20-20 साल नौकरी कर रहे थे वो भी हटा दिए जी, कईयों की डेथ हो गई जी, कई विधवा हो गई जी, बड़ा भारी संकट है उनके ऊपर जी। और पहली सरकार है जिसने डी ग्रुप के बच्चों को लगाया जी, और खुद ही हटाया जी। आज तक अपने कर्मचारियों के खिलाफ कोई सरकार नहीं जाती जी। फर्स्ट बेंच में डी ग्रुप के स्पोर्ट्स कोटे के बच्चे जीत गए थे जी। सरकार सेकंड बेंच में अपने आप गई जी। और कोरा भ्रष्टाचार उनको टाइम देते रहे और बहुत सारा भ्रष्टाचार करके, और कुछ बच्चे वो बच गए जिन्होंने जोड़ तोड़ कर लिया जी। बाकी जो साफ सुथरे सही थे वो हट गए। तो बात की जाए सूर्यदेव जी, नई पार्टी हो, नई सरकार हो, किसकी सरकार हो, कौन सी पार्टी की? देखो ये कोई निश्चित नहीं है, तो समय बताएगा। अभी मैं भी निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ किसको वोट दें, वो तो समय देखेंगे कौन जीत के नजदीक है जी। अगर हम बात करें पार्टियों के नाम ले, हम आपसे पूछें, उनमें से हम आपको ऑप्शन दें, कांग्रेस, इनेलो, जजपा या आम आदमी पार्टी, इनमें से किसकी सरकार का मुख्यमंत्री देखना पसंद करेंगे और क्यों पसंद करेंगे? ये बड़ा पेचीदा सा सवाल है वर्तमान में जी, क्योंकि आगे तो समय के अनुसार है जी जी। बाकी इसके बारे में कोई ज़्यादा अभी निर्णय नहीं कर पाएंगे जी। बाकी ये चाहते हैं हम जी, जो भी सरकार आए देश के विकास के लिए काम करे, केवल नारा नहीं लगा। बीजेपी से बहुत ज़्यादा आशाएं थी जी, देश बचेगा, हिंदू धर्म बचेगा जी, और गायें बचेगी जी, और बहुत सारे काम की आशा थी, परंतु ऐसा कुछ नहीं हो पाया है जी। अब यही आशा है कि जो भी सरकार आए, जो भी मुख्यमंत्री आए, और पब्लिक को तो इतना सख्त होना पड़ेगा, आने वाला भी डरे और जाने वाला भी डरे। क्या मुद्दे रहेंगे नई सरकार से, क्या उम्मीद रहेंगी आपकी सरकार से? सबसे पहला मुद्दा है रोजगार दो जी, और बिना पैसे के दो, बिना जोड़ तोड़ के दो जी, और गरीब से गरीब बच्चे को, किसी जाति का हो। मैं रोकना चाहूँगा आपको, खट्टर सरकार का भी दावा है, गठबंधन सरकार का जो जेजेपी के साथ इस समय है, कि भी बिना खर्ची बिना पर्ची के लोग जॉब देते हैं। हाँ, कुछ बच्चे लगे हैं, परंतु सबके सामने है कि बोर्ड का वो चेयरमैन क्या नागर क्या था जी, उसको भी सरकार ने गिरफ्तार किया जी। वो सारे भ्रष्टाचार के वही सारी चीज़ें निकल के आई, अखबार न्यूज़
पेपरों के माध्यम से कि पेपर भी खाली छोड़ते थे उसको भरा जाता था, लाखों रुपए देते, इतनी सारी अब कहाँ क्या क्या कहीं, सड़क टूट जाती है 6 महीने में ख़त्म हो जाती है जी। बड़ा भारी संकट है, इसलिए जो सरकार आए, आने वाले मुख्यमंत्री और सरकारों से मेरा निवेदन है वो संभल के आए, नहीं तो जनता वो होशियार हो गई है, जनता चाहती बढ़िया आदमी आए, नहीं तो सरकार को देश को मुद्दों पर खरा नहीं उतरे उसको बीच में वापसी करने का अधिकार होना चाहिए। शुक्रिया। ये थी हमारे साथ जींद की जनता, जिसका हमने मन टटोला और जनता का मन है कि यहाँ से सरकार बदली जाए। कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी आए, कुछ का कहना है कि आम आदमी पार्टी आए, कुछ का कहना है कांग्रेस आए। अब देखना है ये गेंद किसके पाले में जाती है और किसके सर पर ताज सत्ता है मुख्यमंत्री का। ऐसे ही कड़ी में किसी और व्यक्ति से, किसी और शख्स से आपको मिलवाएंगे। देखते रहिए भारत आज, हरियाणा आज। मैं जींद से संजय तिरंगाधारी अपने सहयोगी अनुराग के साथ।